दोस्तों, इस वीडियो में हम पुलिस द्वारा घटकों को तलाश और गिरफ्तार करने के संबंध में चर्चा करेंगे कि गिरफ्तारी के नियम क्या हैं। पुलिस को विवेचना के दौरान अभियुक्तों को गिरफ्तार करना पड़ता है। विवेचना में अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त से पूछताछ करके उसके पक्ष की जानकारी की जाती है और अपराध की विवेचना के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। इसलिए गिरफ्तारी के संबंध में विधि में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। गिरफ्तारी के विधि प्रावधान क्या है? CRPC में अभियुक्तों की बिना वारंट और वारंट से गिरफ्तारी के संबंध में निम्न प्रावधान किए गए हैं। धारा 41 दंड प्रक्रिया संहिता, कतिपय मामलों में बिना वारंट गिरफ्तारी। कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, जिसके विरुद्ध एक युक्त परिवाद किया गया है या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की हो सकेगी और जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो अथवा जुर्माने के बिना दंड दिए है, संज्ञेय अपराध किया है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती है। पुलिस अधिकारियों के पास ऐसे परिवार जानकारी या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है। पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी निम्नलिखित के लिए आवश्यक है, जैसे ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से प्रवृत्त करने के लिए, अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए, ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने, ऐसी साक्ष्य को किसी भी रूप में छेड़छाड़ करने से निवारित करने, ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि मामले के तथ्यों से परिचित है कोई उत्प्रेरणा धमकी या वायदा करने से निवारित करने, जिससे उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे दंडों को गलत करने के लिए मनाया जा सके। जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार न किया जाता है तब तक न्यायालय में उसकी उपस्थिति जब भी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती। और तो पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी करते समय उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा, परंतु यह कि पुलिस अधिकारी उन सभी मामलों में जहाँ की व्यक्तिगत गिरफ्तारी इस उपधारा के प्रावधान के अधीन अपेक्षित नहीं है, गिरफ्तारी न करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा। जिसके विरुद्ध विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक की हो सकेगी, वह जुर्माने सहित हो अथवा जुर्माने के बिना अथवा मृत्यु दंडादेश से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, और पुलिस अधिकारी के पास उस जानकारी के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है, यानी ऐसा अपराध जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सजा हो, जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराध ही घोषित किया जा चुका है, अथवा जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है, और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने की उचित संदेह किया जा सकता है, अथवा जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वो अपना कर्तव्य कर रहा है, या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है, अथवा जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्यर्जन होने का उचित संदेह है, अथवा जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन है, या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी है, संबद्ध रह चुका है, या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है, अथवा जो छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए धारा 356 की धारा 5 के अधीन
बनाए गए किसी नियम को भंग करता है अथवा जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है, परंतु यह तब जबकि अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्देश है और उसमें यह दर्शित होता है कि अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है। धारा 42 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य अपराध से संबद्ध हैं या जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया गया है या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि उनके ऐसे संबद्ध रहने के संबंध में अभियुक्त संदेह विद्यमान है, मजिस्ट्रेट के किसी वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। CRPC की धारा 41 क, पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना। पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जिन्हें की धारा 41(1) के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध एक युक्तियुक्त परिवाद किया गया है या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है या युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, उसके समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर जो कि सूचना से निर्दिष्ट किया जाए उपसंजात होने के लिए निर्देश देते हुए सूचना जारी करेगा। जहाँ ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है वहाँ उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना के निबंधों का पालन जहाँ ऐसे व्यक्ति अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है वहाँ उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक लेखपद किए जाने वाले कारणों से पुलिस की राय न हो उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जहाँ ऐसा व्यक्ति किसी भी समय सूचना के निबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है अथवा स्वयं की शिनाख्त करने में आने चुप रहता है वहाँ पुलिस अधिकारी ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हों सूचना में वर्णित अपराध के लिए गिरफ्तार करें। CRPC की धारा 41(ख) गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय अपने नाम की सही प्रकट और अस्पष्ट पहचान धारण करेगा जिससे आसानी से उसकी पहचान हो सके। गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा जो कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का सदस्य है या उस परिक्षेत्र का जहां गिरफ्तारी की गई है गणमान्य सदस्य है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा पत्र हस्ताक्षरित होगा और जब तक उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित न कर दिया गया हो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह सूचना देगा कि उसे यह अधिकार है कि उसके किसी नातेदार या मित्र को जिसका वह नाम दे उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी जाए। CRPC की धारा 41(ग) जिले में नियंत्रण कक्ष। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में और राज्य स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगी। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष के बाहर रखे गए सूचना पत्र पर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का नाम और पते तथा उन पुलिस अधिकारियों का नाम और पदनाम जिन्होंने गिरफ्तारियां की हैं प्रदर्शित कराएगी। राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष समय समय पर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों उस अपराध की प्रकृति जिसका उन पर आरोप लगाया गया है के बारे में व्यवहार संग्रहित करेगा और आम जनता की जानकारी के लिए डाटा सेव करेगा। CRPC की धारा 41(ख) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का पूछताछ के दौरान पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस पूछताछ की जाती है तब गिरफ्तार व्यक्ति अन्वेषण के दौरान उपस्थित रहने के लिए अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। धारा 42 दंड प्रक्रिया संहिता असंज्ञेय अपराध के घटित होने पर नाम और पता बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। यदि कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करता है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में
और संज्ञेय अपराध करने का आरोप लगाया जाता है और वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा नाम और पता बताने की मांग करने पर अपना नाम और पता बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम पता बताता है जिसके बारे में उस पुलिस अधिकारी को विश्वास करने का कारण है कि वह गलत है, तब ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा इसलिए बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और पता अनिश्चित किया जा सके। धारा 43 दंड प्रक्रिया संहिता, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी पर पुलिस द्वारा पुनः गिरफ्तार करना। यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करता है जिसने उसकी उपस्थिति में और अजमानती संज्ञेय अपराध किया जाता है या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार करता है तो वह व्यक्ति बिना विलंब के पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या गिरफ्तार कर थाने में लाएगा या भेजेगा यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अंतर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करेगा। धारा 151 CRPC संज्ञेय अपराध की परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करना। कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है जो संज्ञेय अपराध को करने की परिकल्पना कर रहा है। धारा 55 दंड प्रक्रिया संहिता, जब थाना प्रभारी या अन्य कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए अपने किसी अधीनस्थ को प्रतिनिधित्व करता देता है तो वह एक लिखित आदेश उस अधिकारी को देगा और आदेश प्राप्त करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति की अपेक्षा पर वह आदेश दिखा देगा। वारंट के द्वारा गिरफ्तारी, वारंट गिरफ्तारी लिखित रूप से न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित होगा, वह न्यायालय की मोहर लगी होगी। प्रत्येक वारंट जब तक प्रभावी रहेगा जब तक वह निष्पादन न हो जाए या न्यायालय द्वारा रद्द न हो जाए। धारा 70 दंड प्रक्रिया संहिता में इसका उल्लेख है। वारंट गिरफ्तारी में जमानत पर छोड़ने पर दृष्टांत न्यायालय कर सकता है और ऐसी स्थिति में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और जमानत के कागजात वारंट के साथ न्यायालय भेज जाएंगे। धारा 71 CRPC में इसका वर्णन दिया गया है। वारंट की गिरफ्तार व्यक्ति को वारंट मांगने पर दिखाया जाएगा व उसका सार भी बताया जाएगा। इसकी प्रक्रिया 75 दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन में वर्णित है। वारंट से गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी विलंब के वारंट जारी करने वाले न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इसका वर्णन धारा 76 CRPC में दिया गया है। गिरफ्तारी 24 घंटे से अधिक की हिरासत की नहीं हो सकती है। गिरफ्तारी का वारंट भारतवर्ष में किसी भी स्थान पर निष्पादन किया जा सकता है। यदि वारंट किसी पुलिस अधिकारी को किसी न्यायालय से दिया गया है और उसकी तामील वारंट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट को स्थानीय अधिकारिता के बाहर की जाती है तो वह पुलिस अधिकारी उस वारंट को पृष्ठांकन के लिए किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी के पास ले जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसकी तामील होनी है। ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी खुद अपना नाम पता दर्ज कर गिरफ्तारी करेगा और तब तक उस वारंट की तामील की जाएगी। यदि वारंट तामील करने वाले पुलिस अधिकारी को ऐसा लगता है कि पृष्ठांकन कराने में समय लगेगा, वह उस वारंट की तामील नहीं हो पाएगी तो वह बिना पृष्ठांकन करके भी वारंट की तामीला दूसरे क्षेत्र में कर सकता है। धारा 79 CRPC में इसका उल्लेख दिया गया है। पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने के नियम क्या क्या है? पुलिस को अभियुक्त की गिरफ्तारी की जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनके संबंध में विधि में कुछ नियम भी बनाए गए हैं जिनका पालन करना पुलिस के लिए आवश्यक है और वह नियम इस प्रकार से हैं। जैसे गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने वचन और कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया।
इसका वर्णन धारा 46 दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है। परंतु जहाँ किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाना है वहाँ परिस्थितियों से इसके विपरीत गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर अग्रक्षा में उसके समर्पण कर देने की उदाहरण की जाएगी और जब तक की परिस्थितियों में नपेक्षित न हो, पुलिस अधिकारी महिला न हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा। यदि ऐसा व्यक्ति अपने को गिरफ्तार किए जाने का बलपूर्वक विरोध करता है, प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करता है तो गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए सब साधनों का प्रयोग कर सकता है। इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को मृत कार्य करने का अधिकार नहीं देती जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है। धारा 46 सबसेक्शन 3 में सीआरपीसी के इसका वर्णन दिया गया है। कोई भी महिला असाधारण परिस्थितियों में के सिवाय सूर्यास्त के बाद व सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी और साधारण परिस्थितियों में महिला पुलिस अधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से आज्ञा प्राप्त करके गिरफ्तारी कर सकेगी। इसका वर्णन धारा 46 सीआरपीसी में दिया गया है। गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए मकान का मालिक भार साधक गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को मकान में प्रवेश करने देगा। धारा 47 सीआरपीसी, यदि मांग की जाने पर प्रवेश नहीं मिल रहा है तो पुलिस अधिकारी दरवाजा खिड़की तोड़कर प्रवेश कर सकता है। पुलिस अधिकारी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए शहर के किसी स्थान में उसका पीछा भारत के किसी स्थान में उसका पीछा कर सकता है। इसका वर्णन धारा 48 सीआरपीसी में दिया गया है। गिरफ्तार किए व्यक्ति को उससे अधिक और उतना किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक उतना ही बल प्रयोग किया जाएगा। किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को उस अपराध का पूर्ण विवरण गिरफ्तारी के आधार बताएगा। इसका वर्णन धारा 50 या 30 में दिया गया है। जहाँ कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के बिना वारंट ऐसे अपराध में गिरफ्तार करता है जो जमानता की गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बताएगा कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और वह अपने जमानतों का इंतजाम करे। इसका वर्णन धारा 50 सीआरपीसी में लिखा गया है। बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यदि वह जमानत पर छोड़ा नहीं जाता तो बिना किसी देरी के स्थानीय अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के पास ले जाएगा। धारा 56 दंड प्रक्रिया संहिता में इसका उल्लेख दिया गया है। कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक अभिरक्षा में नहीं रखेगा। इस 24 घंटे में गिरफ्तारी के स्थान से न्यायालय के यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़ दिया जाता है। इसका वर्णन धारा 57 सीआरपीसी में दिया गया है। पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को उन्मोचन अर्थात रिहाई उसी के बंधपत्र जमानत या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश पर किया जाएगा अन्यथा नहीं। इसका वर्णन धारा 59 सीआरपीसी में किया गया है। विधानसभा विधान परिषद लोकसभा या राज्यसभा के किसी सदस्य की गिरफ्तारी के बाद तत्काल जनपद की पुलिस अधीक्षक को सूचना दी जाएगी ताकि संबंधित सदन के स्पीकर को सूचना भेजी जा सके। पैरा 147 पुलिस रेगुलेशन में इसका उल्लेख किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनका तलाश करना उन्हें गिरफ्तार करना इसके संबंध में अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।